सर्वप्रथम आवाहन करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो 5 द योग ऑफ द किंग द योग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड द ग्रेटनेसेस 75वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर हमारी चेतना को छठे इंस्टॉलमेंट में साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि साथ रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके। तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, इन द ग्लो ऑफ द स्पिरिट्स रूम ऑफ मेमोरीज ही कुड रिकवर द ल्यूमिनस मार्जिनल नोट्स डॉटिंग द लाइट द क्रैब्ड एम्बिग्यूस स्क्रोल रेस्क्यू द प्रीएम्बल एंड द सेविंग क्लाउज of the dark agreement by which all is ruled that rises from material nature's slip to clothe the everlasting in new shapes. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजा अशुपति के परा लोक के उदित परात्पर संकल्प से लेकर सृजित सृष्टि एवं लक्ष्य तक पहुंच जाने के संपूर्ण लेखा जोखा के इस ग्रंथालय में प्रवेश के उपरांत परालोक ऊर्ध्वारोहण करते हुए जब वह विश्वात्मा स्तर के इस श्रमति कक्ष में कक्ष के सम्मुख पहुंचा, तब उसने स्मृति कक्ष के बाह्य ज्योतित किनारे पर लिखी हुई टीका टिप्पणी देखकर ध्यान दिया और गहनता से जब उसने इसके गूढ़ अर्थ को अत्यंत कठिन दुर्गे दुर्गे अनिश्चित संदिग्ध प्रकाश पुंज पुलिंदे के लिपटे रोल के समान प्रकाश के इस लिपिबद्ध सूची पत्र के बंडल को परा विश्वात्म प्रकाश स्तर के आलोकित मन से देखा तो जान सका कि इसमें रखे गए परात्पर आदि संकल्प से लेकर सृष्टि सृजन संचालन तथा अंतिम लक्ष्य तक के सूक्ष्म सांकेतिक भाषा में रचे लिखे गूढ़ार्थ को तब राजा पढ़ पढ़कर समझ जान कर उन पर प्रकाश बिंदुओं से चिन्हित करता जाता और लिपटे आदि प्रकाश ग्रंथ के गठे को खोल खोल कर उन्हें वह आज फिर से पढ़ और समझ सका था।
इस विश्वात्म स्मृति प्रकाश कक्ष के कक्ष में आदि मूल संकल्प से अचलायमान से प्रारंभ एक भाग चेतना के सचलायमान बनकर सप्त सोपानों से अवतरित होते हुए खंड विखंडित हुई संपूर्ण व्योम व्याप्त चेतना के रूपायन प्रक्रिया हेतु अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाने से लेकर भूत वर्तमान भविष्य के सृजन के समस्त क्रियात्मक ज्ञान का अविभक्त ब्यौरा उसने विद्यमान पाया, जिससे सृष्टि सृजन सृजित सृष्टि में सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण से विकासोन्मुख प्रक्रियावलियों और गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच सकने के क्रम क्रमशः क्रियाशील होते चले जाने से सृजन विकास एवं जीवन धारा का संभवित संपूर्ण ज्ञान यही पाया जाना अनुभूति की सर्वोच्च परमात्मा से उद्भूत आदि संकल्प के अनुसार ही सब कुछ का घटित होते जाने का अनंतता का शाश्वत नियम सब वस्तुओं में संचालित होता रहता है। यह अनंत नियम अगिनत प्रक्रिया से परमात्मा के मूल संकल्प में रखे अभिप्राय को परमात्मा अनुमति से बिना किसी संशय के अत्यंत सुसामंजस्यता से शासित करते हुए बढ़ती चली जाती है। इसका यहाँ राजा ने अनुभव पाया और जाना कि रचित जड़ जगत के पदार्थों से जो कुछ भी विकसित वर्धित होकर दिखाई पड़ता है उस सब कुछ का बीज दिव्य सचलायमान चेतना के अंतिम आवरण अंतिम अवतरण पड़ाव जहाँ सत असत खचा खच अव्यक्त रूप में अस्तित्व में था, तब सत असत समझौते पर ही सत ने रूपायन हेतु असत प्रवेश पाकर समूचे विश्व ब्रह्मांड जड़ रूप में अभिव्यक्त हुआ और व्यक्त अचित अज्ञान रूपायन के भीतर सत में समूचा प्लान संपूर्ण योजना जो वहाँ परालोक में सूक्ष्म अस्तित्व में स्थित थी वह यहाँ अपरा अभिव्यक्त जगत में भी संपूर्ण ब्योरे के साथ विद्यमान और उपस्थित राजा ने पाया, जिससे सत असत समझौते पत्रक की आदि भूमिका को वह अब ठीक ठीक बांच सका और इस और असत के अचित अज्ञान से रचन रक्षा की दफा अनंत के कानून की धारा को अब वह निकाल सका था, जिससे कि वर्तमान सृजित सृष्टि सृजन आरंभ से शासित बनी अपरा प्रकृति शासन एवं काल से पीड़ा का यह सृजन अनुभव करती आई है उसे कैसे मुक्ति प्रदान कराई जा सके।
और सजन आरंभ वेला पर सत असत प्रवेश से स्व सत में रखे सृजन के सूत्रों को कैसे क्रम क्रमशः उजागर होते प्रकट होते हुए अभिव्यक्ति में नित नवीन रूपायनों को रचते जाने के वह उन्हें आकारों में इस आदि सनातन अंश को बुने हुए असत के वस्त्रों से भिन्नता लिए ढांक ढांक कर सत्ता वस्त्र पहना कर के अभिव्यक्त करते चले जाने की क्रिया के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी अब राजा ने उसके संपूर्ण विवरण सहित यहाँ पाया, जिससे मूल संकल्प एकोम बहुश्याम लक्ष्य संसिद्ध करने के लिए अनवरत संपूर्ण सृजित सृष्टि बढ़ती चली जा रही। यह सब कुछ राजा ने यहीं इसी परालोक के इस ग्रंथागार में देखा, जाना, अनुभूति पाई। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही। Oh.